गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फन एकेडमी। चलिए चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर जुड़ जाइए, फटाफट से रेडी वाला कमेंट कर दो, स्टार्ट करते हैं अपन अपने सेशन को रोजाना जो अपन यहाँ पे करते हैं 9 बजे से। और बाकी की मेरी क्लासेस कहाँ हो रही है, किस टाइमिंग पे हो रही है, वो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। तो फटाफट से इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को, है ना। आ गए ना सब लोग, कॉपी पेन लेकर बैठ गए, रेडी हो गए। चलिए ठीक है, कॉपी पेन लेकर सब लोग रेडी। चलिए ठीक है, देखिए गाइस, ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है मैंने आपको बताया, इस टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है। ये चैनल पर आपको सारे क्लासेस का लिंक मिलेगा ना, यार इंपॉर्टेंट ये चैनल। मेरी क्लास रात को रहती है 9 बजे यहाँ पे, अभी इसी चैनल पर सुबह रहती है 10 बजे, दो अपनी यहाँ पर चल रही हैं क्लासेस, ठीक है। मॉर्निंग में रात को 9 बजे, एक सुबह 10 बजे अपनी इसी चैनल पर क्लास चलती है। वो SSC के लिए हम लोगों ने नई क्लास स्टार्ट करी है, नया बैच स्टार्ट किया है, तो आप लोग चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से नया बैच शुरू हुआ, ये वाला। इसी चैनल पर अगर आपको नया बैच पढ़ना हो तो सशस्त्र बैच हमारा मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ है SSC GD के लिए। 10 बजे मेरी क्लास का समय है, आप लोग आराम से इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसी चैनल पर लगता है ये वाईफाई स्टडी पर, सुबह सुबह ये हमारा टाइमिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हो तो भाई अभी क्लासेस भी चल रही है, मॉर्निंग में 11 बजे भी चल रही है, शाम को 4 बजे भी चल रही है, दोनों क्लासेस चल रही है मेरी फ्री वाली अनअकैडमी पर, ठीक है। तो मेरा नाम सर्च करें रितिका तोमर, और आप रितिका 10 कोड लगाएं, रितिका तोमर नाम सर्च कर लीजिए, ठीक है, और आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा फ्री आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, अगर आप आइकॉनिक लर्नर है, SSC और रेलवे के कोर्सेज में आप लोगों को बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग रितिका 10 कोड लगाओगे तो अभी सीधे 20% का डिस्काउंट हो जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। कॉइन्स के साथ भी अगर आप यूज़ करोगे तो आप मैक्सिमम सेव कर सकते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो रितिका 10 के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और भाई यहाँ पे टेलीग्राम सर्च कर ले जरूर, रितिका तोमर ऑफिशियल, बाकी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अगर गाइज आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हो, सब्सक्राइब करने का लिंक भी आप लोगों को नहीं मिलता है, तो आप एक काम करो यार कि यहाँ पे, हाँ ये जो लगा हुआ है देखो, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे लगा हुआ है, ठीक है। लिंक जो है ना वो आपके कमेंट सेक्शन पे लगा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर जिस पे लिखा है सब्सक्राइब टुडे, ठीक है, वहाँ पे आपका लिंक लगा हुआ है। अगर आप चाहे तो वहाँ से सीधे डायरेक्टली भी जो कर सकते हैं अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ अनअकैडमी पर मैडम अभी एक ही फैकल्टी की क्लास मिलती है, हाँ यार ये बात तो है कि अनअकैडमी पे तो अभी एक ही फैकल्टी की क्लास मिल रही है, वो बात तो सही है, ठीक है। और उसमें अपन अभी कुछ कर भी नहीं सकते, 60 मिनट्स का टाइम है अनअकैडमी पे, उसमें तो अभी अपन खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ पे क्लास है, अनअकैडमी पे क्लास करो, यहाँ पे भी क्लास है, 2-2 घंटे क्लास चल रही है, इसलिए तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा दिया यूट्यूब पे, पता है ना आप लोगों को, यूट्यूब पे इसलिए 2 क्लासेस करती हैं, एक रात को करो 9 बजे, एक सुबह करो 10 बजे, 2 घंटे पढ़ाओ, 2 घंटे पढ़ो, रात को 9 से 10 करो और सुबह करो 10 बजे से 11 बजे तक, 1 घंटे वहाँ पढ़ो 1 घंटे यहाँ पढ़ो, हो जाना है कवर तो वैसे भी, ठीक है। चले तो रेडी कर दो यार अब, तो बाकी की बातें बाद में करेंगे, रेडी। चलिए रेडी हो गए सब लोग, स्टार्ट करें, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है। लाइव टेस्ट फिर से शुरू होने वाला है, आप लोग का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। डेली हम लोग 30-45, 40-45 सवाल करते हैं, 50 सवाल करने की पूरी कोशिश करते हैं, हर दिन करते भी हैं, कभी कभी 1.5 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 50 सवाल भी पूरे कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज यहाँ पर हम लोग कितने क्वेश्चंस का यहाँ पर करने वाले, हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं आज के नहीं, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, फिर स्टार्ट करते हैं, क्या बात है, मतलब जोश एंड जुनून फुल है ना आज से। गाइज एक लाइन यहाँ पे मैं, मेरे को लगता है कि मुझे बोलनी चाहिए कि है ना, करेंगे तो होगा, करेंगे तो सीखेंगे, करेंगे तो होगा, ठीक है ना। चलिए तो भाई आपका पहला सवाल है, सॉल्व करें इस वाले क्वेश्चन को। चलिए टाइमर आपको दे दिया है 20 सेकंड्स, इस टाइमर का बहुत बड़ा महत्व होता है आपके सवाल को सॉल्व करने में, अगर आप इसके अंदर ही, टाइमर के अंदर ही क्वेश्चन का जवाब देते तो और भी बेस्ट है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, सुबह में 10 बजे क्लास होती है, सुबह में क्लास 10 बजे से रहती है, बिल्कुल ठीक है, सुबह में क्लास 10 बजे से रहती है। अरे 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 अरे, चलो 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 शुरू हो जाओ भैया, आंसर करना, बातें नहीं करो, अब आंसर करो सीधे सीधे, बातें नहीं करो। चलिए डन, देखिए भाई यहाँ लिखा था, सबको दिख रहा है, ऐसा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। ये आपका लिखा है 11 का स्क्वायर, सबको पता है, ये आप लोगों का लिखा है 21 का स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोगों का लिखा है, फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाओ, 31 का स्क्वायर लिखा है, ये आपका लिखा है 41 का स्क्वायर, अगला कितने का हो जाएगा बताओ, इसको आप 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, अगला हो जाएगा 51 का स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर कितना आता है पता ही होगा आपको, 2601, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका आंसर बताइए। डंबल का संबंध है यहाँ पर भाषण के साथ, मेमोरी का संबंध किसके साथ होता है बताइए,
चलिए जल्दी बताइएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि फाइनल जो आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी जल्दी चेक करना, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, चेक करते जाइए। हाँ सब आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करते जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया डन। देखो यार मैं बताऊं, डंबल का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता उसको कहते हैं डंब, और बहुत ज़्यादा बोलने वाले को भाषण देना कहते हैं, तो उल्टा लिखा हुआ है इसका मतलब। तो मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, याददाश्त होना, ठीक है भाई। और अगर याददाश्त का उल्टा है, यानी याददाश्त चली गई, तो याददाश्त का उल्टा हो जाएगा, तो एमनीशिया बीमारी में याददाश्त चली जाती है, तो सेकेंड वाला होगा इसका, उल्टा लिखा हुआ था यानी कि अपोजिट, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं, अपना अगला सवाल करिए। जैसा सेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वैसा ही आपको सेम बताना है, ठीक है। जैसा सेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी तरीके का क्वेश्चन सेट आपको बताना है यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, डेली होती है ये वाली क्लास, डेली होती है रात को 9 बजे से और सुबह सुबह से 10 बजे से, ठीक है। डेली रात को 9 बजे होती है इसी चैनल पर, 9 से 10, और सुबह 10 से 11, 2 घंटे होती है हमारी डेली क्लासेस, ठीक है। चलिए भाई, 15 का रिलेशन अगर 22 के साथ है, एक बात बताओ, 7 नहीं जुड़ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 9 नहीं जुड़ रहे हैं, तो सेम ऑप्शन ढूंढ लो कि फिर और कौन सा है सेम टू सेम ऑप्शन, 7 और 9 जुड़ने चाहिए, पहला वाला ही आएगा। पहले में ही 7 में 7 जुड़ रहे हैं तो 14 आया है, और यहाँ पे 9 जुड़ रहे हैं तो 23 आ रहा है, पहला वाला बिल्कुल सेम बन रहा है, ठीक है। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर भी डला हुआ है, अपना स्कोर जो है पता करते रहना कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है, धन एक परिवार में समस्याओं का मूल कारण है, तो ऐसा क्यों बोला गया है, उसका अनुमान क्या लगाओगे आप लोग बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलिए बन गया, क्या बन गया ये वाला सवाल, आई थिंक सो बन गया होगा सभी से। चलिए बन गया। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी बताई हुई थी गाइस, अगर आप लोग ट्रिक्स को ध्यान रख रहे हो तो मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी बताई थी। कभी कभी शॉर्ट ट्रिक करने का एक तरीका होता है, बताया भी था मैंने आपको, ट्रिक्स भी बताया था, ट्रिक्स भी समझाया था कि कभी कभी शॉर्ट ट्रिक से करने का एक तरीका होता है। वैसे तो हम लोग पढ़ के ही जवाब देते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी जब हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताए थे कई सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे एवरी आया, एवरी शब्द जिसका मतलब होता है प्रत्येक, ईच शब्द का मतलब भी होता है प्रत्येक, ऑल शब्द का मतलब होता है सम, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ओनली का मतलब होता है केवल, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो वो इम्फैटिक बन जाता है अजम्पशन यानी अनुमान, और ऐसे शब्दों को आने से हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि सवाल में एवरी लिखा है गलत, यहाँ पे भी ऑलवेज लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा आपका, दोनों के दोनों रॉन्ग है, ठीक है, ओके। हाँ सही बात है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ऐसे शब्द अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसे क्या करिएगा, गलत करिएगा, ठीक है, गलत रॉन्ग कर दीजिएगा उसको, ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट से, जल्दी वाले, अगले वाले सवाल पे आते हैं, दोनों गलत हैं इसमें। डॉक्टर सैलरीड पर्सन एंड पेरेंट्स का सही रिलेशन बताना है, यहाँ पे क्या बनेगा, डॉक्टर्स सैलरीड पर्सन एंड पेरेंट्स का सही रिलेशन यहाँ पे क्या बनेगा। हाँ हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक होता है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग ट्रिक से तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो वही होगा ना, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि तभी तो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तभी तो हम एग्जाम में जल्दी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल, जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे तभी तो हम लोग एग्जाम में जल्दी जल्दी कर पाएंगे ना। मेन काम यही होता है ना कि एग्जाम में टाइम बचाना है, हमें आता तो सब कुछ है लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने का काम है, आता तो सब कुछ है पर एग्जाम में टाइम बचना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, जो जल्दी कर लेगा वही है बस, आता तो सबको है, रीजनिंग तो सबको आती है, ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी को रीजनिंग नहीं आती है, रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही बनता है, सबसे ही बनता है, ठीक है, तो रीजनिंग तो सबको बनता है। बन गया, चलिए अब देखिए भाई मेरी बात सुनिए, डॉक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो सैलरीड होते हैं, यानी मतलब
जिनकी नौकरी है तो वो वेतन भोगी है, ठीक है, कुछ पेरेंट्स भी डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ पेरेंट्स सैलरीड भी हो सकते हैं, तो इसका तो ये सिंपल सा डायग्राम बन गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। छठवें सवाल पर आ रहे हैं हम लोग, जल्दी से बताइएगा, एल्यूमिनियम का संबंध है बॉक्साइट के साथ, लोहे का संबंध यहाँ पे किसके साथ होगा? टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने आपके लिए। बन गया, ये ओर्स होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ओर्स हैं केमिस्ट्री में, थोड़ा सा तो पढ़ाई हमने। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, और अगर हम लोहे की बात करें, आयरन का ओर होता है हेमेटाइट, आयरन का ओर होता है हेमेटाइट, तो ये तो सबने पढ़ा है। मैग्नीसाइट गलत है गाइस, पहला वाला होता है पायराइट्स, कॉपर का होता है ये, कॉपर का होता है पायराइट्स, कॉपर पायराइटिस, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, हाँ आयरन का हेमेटाइट। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, चलिए पासा दिया गया है आपको बताना है, वन अगर सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर है, यानी एक के विपरीत पूछा गया है, तो टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन का आंसर बताइए। नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, चलिए सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा सारे लोग, जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को एक बार से लाइक भी कर देना। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, डन, चलो। दोनों में सबसे पहला डाइस का तरीका, भाई मेरे सारे टॉपिक यहीं करा रहे हो, सारे लोग ध्यान देना कि मैं सारे टॉपिक्स यहीं पे कवर करवाऊंगी इसी क्लास में, ये क्लास अपनी 2 साल से 3 साल से लगातार इसी टाइमिंग पे चल रही है, सेम टाइमिंग पे चल रही है, ठीक है, मैं सारी चीज़ें यहीं पे करवाने वाली हूँ, सब कुछ मैं यहीं पे करवा दूंगी, परेशान नहीं होना, भटकना नहीं इधर उधर कहीं, 9 से 10 रात को 1 घंटे रोजाना, और दूसरी चीज़ सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, वो भी हमने नया टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है, तो अगर आपके पास रात का समय नहीं है तो आप सुबह आ सकते हो, और रात का भी आ सकते हो, सुबह भी आ सकते हैं, तो और भी अच्छा है, दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, तो सुबह भी आइए 10 बजे, रात को बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी 2 घंटे डेली, तो इतना तो करना ही चाहिए रीजनिंग का कम से कम, है ना। अब यार एक बात बताओ, डाइस की बात करें, सबसे पहले पासे में हम लोगों ने देखा हुआ है यहाँ पे कॉमन, हम लोग सबसे पहले देखते कॉमन संख्या, लेकिन हमसे यहाँ पे 1 का पूछा गया था, तो 3 के रिगार्डिंग क्लॉकवाइज में घूम जाओ, ये तो सबको पता है ना कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते तभी हमारा आंसर निकल के आता है, तो भाई 3 यहाँ पे आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, 3 के बाद यहाँ आएगा 4, तो आपसे पूछा गया था 1 का कितना हो गया 4, 1 का हो गया 4, 6 का हो गया 2, ठीक है, 1 का 4, 6 का 2, तो 1 का निकालना था, 4 आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना, चलिए ठीक है, सभी ने क्लियर कर लिया इसमें, सभी को क्लियर हो गया, वेरी गुड, ओके अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं अपन लोग, है ना, वेरी गुड। 8वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करिएगा इसको, फटाफट से सॉल्व कर लेना, चलो 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 जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। चलिए बन गया क्या, सभी से बन गया, चलो बहुत बढ़िया। देखो हैप्पी का रिलेशन है सुखी, मिर्थफुल एक ही बात है, सैड यानी उदास, और एक और ऑप्शन में दिया होगा तो सेम मीनिंग है, तो यहाँ पे तो सी आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इस वाले में सॉल्व करें 20 सेकंड्स के अंदर, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, ठीक है, आपस में बातचीत थोड़ा बंद करो, थोड़ा इग्नोर करो, 1 घंटे अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया करो, बातचीत करने के लिए तो पूरा दिन है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप करा करो, क्लास में बातचीत थोड़ा कम करें, बंद कर दें बिल्कुल, तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, इतना तो ध्यान रखो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा कम करो, ठीक है। चलिए डन है, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, चेक करो एक बार से, बन गया। देखो यार ये तो सिंपल था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आया, तो अगला 5 आएगा, लास्ट वाला 5 जैसा का तैसा लिखा है, और इधर भी +1 चल रहा है, तो 565 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपको यहाँ पे से अलग वाला ऑप्शन निकालना है, कौन सा अलग है बताइए, इसमें से आप लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो एक ऑप्शन है डिफरेंट वाला, यानी कि जो सबसे अलग है इन चारों ऑप्शन में से, वो वाला यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा वो बताइए।
चलिए 1K लोग यहाँ पर लाइव हो चुके हैं हमारे साथ डेली की तरह, ठीक है। फटाफट से 15 मिनट्स के अंदर तो जल्दी से सारे लोग लाइक कर देना। इस सवाल का पैटर्न सबको पता ही है, इंग्लिश में शब्द लिखे रहते हैं तो मालूम रहता है सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले वॉवल का लॉजिक लगाना पड़ता है, पता है ना। तो यहाँ पे दो वॉवल्स हैं, यहाँ पे एक है सिर्फ, यहाँ पे भी एक है सिर्फ, यहाँ पे भी सिर्फ एक है, तो यही अलग होगा हमारा। कुछ लोग पास्ट बोल रहे थे तो गलत आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन चेक करो कि यहाँ पे आपका जो है सवाल कौन सा बनना चाहिए। चेक करिए जल्दी से। हो गया सॉल्व। देखिए गाइस, आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ 18 और 28 आ जाए। देखो भाई, 18 और 28 की अगर हम बात करें, 10 का अंतर होता है दोनों के बीच में, होता है कि नहीं, इतना तो सबको मालूम है कि दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास जिसमें 10 का अंतर आ रहा हो, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो फिर ये देखो कि ऐसा हो सकता है, 2 का इंटू 8 से करा, 16 आया, 16 में 2 ऐड करा, 18 आया हमारे पास, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसी तरीके का लॉजिक पहला वाला था, फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट वाले में भी 1 का इंटू 6 से किया तो कितना आ गया, 6, 6 में भी 2 हमने जोड़ दी, 8 आ गया, 08 लिख दिया इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला वाला सेम होगा, पहले वाले पे लगाइए। चलिए 12 यहाँ पे बताइए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ग्वावा, पोमोग्रेनेट, खीरा, पपीता। खीरा अलग है बिकॉज खीरा एक सब्जी है, बाकी सभी फल हैं। नेक्स्ट, एशिया के बाद, अफ्रीका के बाद, नॉर्थ अमेरिका के बाद, इसी श्रृंखला में अगला शब्द जो आएगा वो आपका कौन सा हो सकता है, ट्राई करो। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान। डन हो गया, डन है। चलिए बिल्कुल, सारे तो यहाँ पे महाद्वीप के नाम लिखे हैं तो कनाडा गलत है, ऑस्ट्रेलिया से ही महाद्वीप इनके नाम लिखे हुए थे ना, महाद्वीपों के नाम, महाद्वीप तो इनमें से एक ही, ऑस्ट्रेलिया इज अ महाद्वीप, ठीक है। ये आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, सॉल्व करें इसका आंसर क्या बनेगा, चेक करिए। चले एवरीवन, बन गया। देखो भाई, सबसे पहले आप लोग इसमें एक बात देखिए, एक चीज़ देखिए, आप लोग इसमें एक चीज़ समझिए। देखिए, आपको इसमें कई सारे लोगों को डाउट होता है कि मैडम ये सवाल होता कैसे है, प्रॉब्लम ये है। देखो भाई सुन, ये एक पेपर है, इसको फोल्ड किया गया है, कहाँ से फोल्ड किया गया है, जहाँ पे ये डॉटेड लाइंस बनी हुई है ना, वहीं से मान लो पेपर को मोड़ा गया है, ठीक है। अब होता क्या है, आप लोगों को भाई कन्फ्यूजन रहते हैं, कहाँ से शुरू करें मैडम, कौन सा करें, इसको क्या सॉल्व करें, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन ये रहता है। तो इसमें करना क्या है, देखिए भाई, जहाँ पे लाइन है ना, बस एक सिंपल सी चीज़ समझ लो आप इसमें, तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जहाँ पे आपको लाइंस दिखाई दे रही है ना, ठीक है, जहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही है ना, बहुत ईजी है, वही उसी को मिरर मान लो। जैसे ये लाइन है तो इसको मिरर मान लीजिए, ये लाइन है इसको भी मिरर मानिए, और मानिए कि एक मिरर यहाँ पे बना है, तो आपके मिरर इमेज की तरह ही सॉल्व हो जाएगा, जैसे आप लोग मिरर इमेज को सॉल्व करते हो, ठीक है, मिरर इमेज की तरह सॉल्व हो जाएगा, जिस तरीके से आप मिरर इमेज को सॉल्व करते हैं वैसे ही, ठीक है ना। तो भाई देखो ना, एक मिरर तो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक मिरर आपका यहाँ लगा है, और एक लगा है बीचों बीच में, तो बीचों बीच की वजह से तो एक सर्कल यहाँ आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और सामने वाले का ट्राइंगल यहाँ बन जाएगा, ठीक है।
इस वाले मिरर की वजह से दो सर्कल यहाँ आ जाएंगे और इस वाले मिरर की वजह से दो सर्कल यहाँ, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन पहला वाला बनेगा, जैसा यहाँ पे बन रहा है वैसा। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो समझाने के लिए ये वाली क्लास डेली लगती है ना भाई, डेली आया करो। अभी कल परसों ही मैंने ये वाटर इमेज मिरर इमेज करवाया था, उसमें फिगर करवाए थे, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी करवाया था बेसिक से। तो इस क्लास में रेगुलर आइए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का समाधान होता है ना, तो वो इसी तरीके से थोड़ा रेगुलर रहेंगे तब हो पाएगा। दो चार दिन में एक बार आ गए कभी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बाकी के बच्चे कंटिन्यू आते हैं वैसे आप लोग भी ज्वाइन करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए पहला वाला आंसर बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करें भाई, चेक करें इसमें। ये हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से होगा, चेक करो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार देखो 1200 लोग लाइव देख रहे हैं अभी क्लास को, और भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, लाइक कर दो। सबसे पहला हमारा एटिकेट्स यही होना चाहिए, लाइक करें हम जो क्लास देखें उसको, कम से कम लाइक कर दें। एक घंटा पूरा पढ़ के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हो, है ना। डन। देखिए यहाँ पे लिखा है देश में जो गैर कानूनी खनन चल रहा है ना, खनन का मतलब होता है खुदाई वगैरह जो करते हैं ना, खनन यानी कि खुदाई, खुदाई करके मिट्टी निकालते हैं, रेत निकालते हैं, उसको कहते हैं खुदाई। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें, हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री, कंस्ट्रक्शन का काम होता ही रहता है, धूल मिट्टी चलती ही रहती है, सीमेंट वगैरह चलता ही रहता है, रेत चलती ही रहती है, तो ये वही है। उसके लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए गैर कानूनी चीज़ों पर। तो देखो यार, कानूनी रूप से अगर किया जाएगा तो वो अगर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो ये तो गलत है, गलत काम, चाहे कानूनी रूप से किया जाए चाहे गैर कानूनी रूप से, तो गलत ही रहेगा। हाँ लेकिन सेकंड वाला बिल्कुल सही, आप लोगों ने बताया कि पर्यावरण के नुकसान के लिए ये भी एक फैक्टर है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान होता है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। चलो तो सेकंड वाला आएगा इसमें, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बताओ इसका। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है इसमें मिरर इमेज आपको बताना है, मिरर इमेज बतानी, मिरर इमेज। बन गया, यार पहली बात तो ये डिजाइन जो बनी यहाँ पे वही गलत है। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि जो सवाल में बना है आंसर में बदल जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा, तो वो गलत हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्कल ही गायब, एक सर्कल होना चाहिए था, यहाँ सर्कल गायब है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सर्कल पीछे आना चाहिए था यहाँ सामने ही बना हुआ है, तो ये भी गलत है। तो चलो इसमें तो सही आंसर आ गया सबका, सेकेंड आंसर हुआ, चलो ठीक है सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ट्राइंगल्स यहाँ पे बताइए कितने हैं, यहाँ पे आपके ट्राइंगल्स कितने हो रहे हैं वो बताइए, ट्राइंगल्स काउंटिंग यहाँ पे कितनी है वो बताना आपको, है ना। पढ़ाया गया है तरीका ट्राइंगल निकालने का, सिखाया गया है कई बार कि किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। हाँ अच्छी बात है। और गाइस आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं कि भाई एक चीज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सुन लेना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ चल रही है अपनी क्लास की, तो मैं बता दूं कि आपका जो नया बैच है ना वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है, SSC GD का ये वाला बैच, ठीक है। हमारा ये जो सशस्त्र बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसी चैनल पर मैं सुबह क्लास लेती हूँ 10 बजे, और बाकी के टीचर्स भी देखो आपकी क्लास लेते हैं, ठीक है। जो भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, आप सब इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास सुबह 10 बजे लगती है, इसी चैनल पर सशस्त्र बैच स्टार्ट हुआ है, जहां मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ सारी चीज़ें, एक टॉपिक को दो दो दिन कवर करा रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, डेली डेली आ सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो ये बैच आपका स्टार्टेड है ऑलरेडी, तो आप लोग इसमें थोड़ा देखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी अपन जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे आते हैं वापस से। चलो इसमें ट्राइंगल फाइंड करें कितने होने वाले हैं भाई, ट्राइंगल इसमें फाइंड करते हैं अपन कितने आ रहे थे, देखते हैं। ठीक है सबसे पहले बेस पे निकालते हैं ना, पता है ना आपको बेस पे कैसे काउंट करते हैं, इस वाले बेस पे अगर निकालेंगे जोड़कर 21 आएगा, यहाँ से भी 21 आएगा, 21 आएगा कि नहीं, यहाँ से इधर से 21, इधर से भी 21, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे आ गया आपका 42। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 सबको जोड़ेंगे तो इधर से 15 आएंगे, सेम यहाँ से भी 15 आएंगे, तो 15 15 कितने हो गए, 30 हो गए, यानी 72 तो वैसे भी आ गए। 72 तक तो सब निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े वाले भी हैं यहाँ पे, बड़े वाले भी हमें काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, किसी का आ रहा है क्या कुछ, किसी का कुछ आ रहा है क्या, कितना आ रहा है इसमें, बड़ा वाला पता चला, चलिए देखते हैं। सही है सही है सही है, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज करवा दिया था, याद है आप लोगों को, इसमें मैंने आंसर में थोड़ा बदलाव किया था, लास्ट टाइम पे भी कर दिया था मैंने, इसमें बताया था ना, बड़े वाले वैसे काउंट हो चुके हैं, सिर्फ ये वाले जो नहीं काउंट हुए पाए, जो नीचे से अगर ज्वाइंट करने पे काउंट हो रहे हैं तो वो वाले हमने अभी तक नहीं कर पाए। एक तो ये वाला नहीं करा जो ज्वाइंट से बन रहा है, एक तो ये वाला बनेगा, ठीक है, फिर एक इसी में ये वाला भी बनेगा, यार ऐसे बनते जाएंगे, दूसरा इस वाले से भी, तीसरा मतलब नीचे वाले बेस से बना रही हूँ मैं, इस वाले से भी, चौथा और इस वाले से भी, पांचवा, पांच इसमें एक्चुअल में एक्स्ट्रा बनेंगे गाइस, 77 आएगा इसका जवाब एक्चुअल में। नीचे वाले बेस से ये जो लाइंस है ना, नीचे वाले बेस से ये जो लाइंस बन रही हैं, उससे पांच और निकल के आएंगे, बड़ा वाला तो अपन काउंट करते ही अलग से, तो पांच आ गए। अब एक्चुअल में हुआ क्या, पांच आ रहे हैं तो इसमें अपना आंसर 77 आ रहा है, 77 ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर 75 पे टिक करेंगे, ठीक है। अब 77 अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपन 75 पे टिक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ 77 विकल्प में नहीं है तो फिर 75 पे टिक कर दीजिए, मैक्सिमम वाले पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हमने क्या किया, ये सब जोड़कर नीचे वाले बेस से साढ़े जोड़कर बन गए, समझ गए ना, ये जो आ रही है ना ट्राइंगल, अपनी लाइन आ रही है, इसको मिलाकर नीचे वाले बेस पे ऐसे बनते जाते हैं ट्राइंगल्स, एक ये वाला बनेगा, एक इस वाले पे बनेगा, एक इस वाले पे बनेगा, एक इस वाले पे बनेगा और एक इस वाले पे, टोटल पांच बन जाएंगे अपने इस तरीके से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। इसको बताइए सही क्रम इसका क्या है, लिखना, पढ़ना, राइटिंग करना, वितरित करना, प्रकाशन करना, क्या होगा इसमें। ये क्लास यूट्यूब पर लाइव चलती है, हाँ भाई ये यूट्यूब पर ही अभी चल रही है, लाइव चलती है रोज़ाना 9 बजे, अभी यूट्यूब पर ही चल रही है, और कहाँ चल रही है, अभी यूट्यूब पर ही चल रही है, लाइव चल रही है, रोज़ाना चलती है लाइव। हो गया डन, चलो अब तो सबको पता चल गया होगा कैसे बनाएंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग करेंगे राइटिंग, सबसे पहले राइटिंग करेंगे, फिर कुछ ना कुछ कांट छांट करेंगे लिखने के बाद, कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं तो, फिर उसको हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद पब्लिश करवाते हैं, सबसे लाट में पटवा देते हैं, तो आपका आंसर ये बनेगा, कौन सा वाला बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, पोस्टर का कोड दिया है, डार्क का दिया है, स्ट्रोक का आपको बताना है, ठीक है। चलो और इस क्लास के अलावा ये 9 से 10 एक घंटा अपन यहाँ पे डेली पढ़ते हैं, सुबह आप पढ़ सकते हो, फ्री क्लास है, टॉपिक वाइज नया बैच स्टार्ट हुआ है 10 अक्टूबर से, आप लोग वहाँ पर आराम से पढ़ने के लिए आ सकते हैं मॉर्निंग में SSC GD के लिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपकी स्पीड बढ़े, इंक्रीज हो जाए, तो आप 11 बजे क्लास अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पर, और शाम को 4 बजे फ्री क्लास, ठीक है, अनअकैडमी पे मॉर्निंग में 11 बजे शाम को 4 बजे फ्री क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, वो मेरी अनअकैडमी पर लगती है। कॉपी पेस्ट था, सीधे कॉपी पेस्ट करते, ST का कोड यहाँ से निकालो, R का कोड यहाँ से निकालो, O का कोड यहाँ से निकालो, K का इधर से और E का यहाँ से निकाल लो, तो स्ट्रोक का अगर हम निकालेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, सेकेंड आंसर इसमें बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या सभी लोगों को, सभी को क्लियर है, लाइक कर देना एक बार से सेशन को एवरीवन, लाइक कर देना जल्दी से सारे लोग, फिर अगले सवाल पे चले हम लोग, क्या बात है, चलिए अगला सवाल, जैसा यहाँ पे दिया है वैसा आपको ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। ये तो इजी है यार, 12 और 6 कितने हो गए, 28,
सेम ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 18 और 24 42 जोड़ने के बाद ही आ रहा था, पहला वाला ऑप्शन होगा इसमें। चले 21 नंबर, ये वाला फिगर कहाँ पर एम्बेडेड है वो बताना है। ये जो आपका फिगर दिया है, चित्र दिया है, वो कहाँ पर छुपा हुआ है इनमें से, चारों में से, वो बताइए। जो जिस लेटर के सामने लिखा रहता है वही उसका कोड होता है, उसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। जो जिस लेटर के सामने लिखा रहता है वही उसका कोड होता है, उसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। हो गया, चलिए ये वाला कहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली दिखना चाहिए। सी वाला गलत है, सी वाले का टुकड़ा, अरे डी वाला गलत है, डी वाले का टुकड़ा है ना, टुकड़ा में नहीं होना चाहिए, डी वाले का टुकड़ा टूटा हुआ है। सी वाला सही है यहाँ पे, ये देखो सी वाले में ही बन रहा है, और कहाँ से बन रहा है, डी वाले में तो टुकड़ा गलत बना हुआ है ना यार, डी वाले का टुकड़ा सही नहीं है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के करना है, आई टेस्ट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगला करो, कोई बात नहीं, चलो इसको बनाओ भाई। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलॉक्स का, सिलॉक्स के तो 3-4 सवाल मुफ्त के आते हैं, मतलब आते ही आते हैं, सीधी सी बात है। बन गया, बनाते हैं डायग्राम, देख लो, सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स आपके क्या हैं, प्लेयर हैं, यानी खिलाड़ी। फिर लिखा है इसमें कुछ प्लेयर एथलीट्स हैं, ये बना दिया हमने डायग्राम, ऐसा बनेगा, कुछ स्टूडेंट प्लेयर, कुछ प्लेयर एथलीट्स, ठीक है। अब पहले कंक्लूजन पे, पहले निष्कर्ष पे बोला है कि कुछ खिलाड़ी एथलीट्स हैं, देखो भाई स्टूडेंट का और एथलीट्स का, इन दोनों का सीधी सी बात है हमें नहीं पता, बड़े साफ भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने कई बार बताया है कि जो हमारे सर्कल होते हैं, जो आपस में छूते नहीं हैं, टच नहीं करते हैं अगर डायग्राम बनाने पर, तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है, यानी पहला वाला हम कभी भी सही नहीं करेंगे, पता नहीं है हमें क्या है। स्टूडेंट्स का और एथलीट्स का क्या रिलेशन है हमें पता नहीं है, स्टेटमेंट में नहीं दिया है। प्लेयर्स और स्टूडेंट्स का, प्लेयर और स्टूडेंट का तो सम का रिलेशन है, ये वाला सही है, सेकेंड वाला सही है, तो आपका आंसर सी आएगा, क्योंकि सेकेंड वाला सिर्फ सी में लिखा हुआ था, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो बन गया, आसान था ना, तो बना लिया सबने, चलो इसको बनाइए भाई। टीचिंग का कोड लिखा है, बुकवर्म का कोड आपको बताना है, टीचिंग का, देखो मैं लिख देती हूँ एक बार, टीचिंग का कोड जो आपका लिखा है वो क्या है। कई बार लोग आधा अधूरा इसको पढ़ लेते हैं, इस सवाल को, और सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखना फिर सॉल्व करना, जल्दीबाजी नहीं है बस, लेकिन सवाल सही बनना चाहिए, गलत नहीं करना, ठीक है। टीचिंग का कोड यहाँ लिखा है सामने सामने, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर बनेगा नेक्स्ट वाले का। हो गया, चलिए देखिए, यहाँ टी के माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस वन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बस दो देख लिए और भग गए आगे, और अगर सेम ऑप्शन हुए सो ही हमारी गलती हो गई, हमारा नंबर कटा, क्योंकि पूरा तो देखा ही नहीं कि पूरे में क्या ऑप्शन चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे तो देखो यार प्लस वन चल रहा है, फिर यहाँ पे भी प्लस वन हो गया अचानक से, फिर यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर प्लस वन, यानी दो में माइनस वन, दो में प्लस वन चल रहा है, ठीक है। तो दो में तो आप माइनस वन करोगे दो लेटर्स में, फिर यहाँ पे आप करोगे प्लस वन, फिर आप यहाँ पे माइनस वन करोगे, फिर आप यहाँ पे करोगे प्लस वन, तो आपका जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा डी वाला, बताओ डन हो गया।
बताइए सभी लोग, डन है, क्लियर है ये वाला, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, 25 नंबर के क्वेश्चन पे। इस वाले को आपको बताना है, इस श्रृंखला में जो अगला टर्म आएगा यानी अगला शब्द आएगा वो कौन सा है। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग गाइस। हो गया, चले। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, कि ऐसा है कि जब कभी भी, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा, कोई एक लेटर ऐसे क्या हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, कोई भी एक लेटर की प्लेस वैल्यू चेंज हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात देखो, और भी कोई वॉवल वाला पैटर्न लग रहा है क्या? कोई वॉवल वाला पैटर्न भी नहीं लग रहा है ना, है ना? वॉवल वाला पैटर्न लगा सकते हैं, बिल्कुल। देखो यहाँ पे दो वॉवल्स हैं, यहाँ पे दो वॉवल्स हैं, एक वॉवल है, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे है तीन, यहाँ पे भी तीन है। ठीक है, यहाँ पे कितने? चार हैं, है ना? तो ऐसा कोई है जिसमें चार है वोवल? नहीं है। ठीक है, वोवल वाला नहीं लगेगा इसमें, दूसरा लगाओ फिर। अब लगाते टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वाला, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पाँच है, यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स छः है, यहाँ पे भी छः है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आठ है, तो यहाँ पे भी आठ है, यानी कि पहला वाला इसमें बनेगा, बाकी कोई लॉजिक नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, अच्छा एक और लॉजिक इसमें लगा सकते हैं, ये वाला तो हमने देख लिया टोटल लेटर्स वाला। अच्छा एक और लॉजिक यहाँ पे ये लगा सकते हो, एम की पोजीशन देखो, एम यहाँ पे नंबर वन पे आया, यहाँ पे सेकंड नंबर पे खिसकता जा रहा है राइट साइड में, यहाँ पे थर्ड पे आया है, यहाँ पे चौथे पे, यहाँ पे पांचवे, अगले वाले में देखो छठवें नंबर पे आ रहा है, तो ये भी लगा सकते, दोनों में से कोई लगाओगे चल जाएगा, आंसर पहला वाला आएगा। ठीक है, ओके, चले अगले सवाल पे आ जाते हैं। यार इस वाले में ट्राइंगल्स बताइए भाई कितने होंगे, सही मायने में ट्राइंगल्स का परीक्षण यहाँ होने वाला है, जिनको पढ़ा है, जिन्होंने रोज़ाना क्लास करते हैं वो लोग बता पाएंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने आने वाले हैं, चेक करो। चलिए भाई बताइए इसमें कितने ट्राइंगल्स होने वाले हैं। बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, चलिए देखने वाला है। लाइक कर दीजिएगा एवरीवन, लाइक कर दीजिएगा सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दो, अच्छे से आराम से कर लो, कोई ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी जल्दी करना है या समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम करते जा रहे हैं। बन गया, चलिए बनाए, सॉल्व करें। 11 तक तो सबने ऐसे ही गिन लिए होंगे यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हट। 11 तक तो वैसे भी आ जाएगा, 11 में तुम लोगों ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया गिनने के बाद, 11 तो सब ऐसे ही गिन लेंगे। चलो देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि आपका एक ट्राइंगल है, अगर बीच में एक लाइन होती है तो वहां से तीन ट्राइंगल्स आते हैं, इतना तो पता है ना, एक दो और एक बड़ा वाला तीन, इतना ध्यान रखना बस। चलो अब आ जाओ इसको एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले ये देखो यहाँ से आपको कितने मिलेंगे। भैया ये एक ट्राइंगल है जिसमें कि एक बीच में लाइन भी है, तो डेफिनेटली यहाँ से तीन आएंगे। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं भाई, यहाँ पर भी बीच में एक लाइन है, तीन यहाँ से मिलेंगे, यानी कि आपके पास हो गए छः, गिनते जाना। ठीक है भैया, इस छः के बाद एक आपके पास आ रहा है ये वाला, एक आपके पास आ रहा है ये वाला, यानी कि यहाँ पे हो गए आठ। ठीक है, और एक बड़ा वाला, ये बड़ा वाला तो अभी देखा ही नहीं हम लोगों ने, इस वाले को, इसमें बड़े वाले में एक्चुअल में क्या है ना, इस बड़े वाले में बीच में भी एक लाइन बनी हुई है बिल्कुल बीचों बीच में, तो वहाँ से तीन ही मिलेंगे, आठ प्लस तीन ग्यारह, ये ग्यारह तो सब लोग काउंट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस 11 के बाद ही हमें मेन काउंट करना है। ठीक है, अब जो हिडन वाले वो हमें काउंट करने हैं, है ना? हाँ देखो यहाँ से, देखो एक यहाँ से एक पूरा का पूरा,
देखो यहाँ से लेकर के आपने सिंगल तो गिना, लेकिन ये नहीं गिना था पूरा का पूरा, ये वाला ये नहीं गिना, सेम इस तरीके से उल्टा पूरा, तो दो और हो गए 13। लास्ट सबसे बड़े वाले भी हमें इसी में तक काउंट करने हैं, यहाँ से तो पूरा काउंट करना पड़ेगा ना यार, ये भी तो एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक पूरा बन रहा है, ये देखो यहाँ से भी एक पूरा बन रहा है, तो कुल मिलाकर 15 होने चाहिए थे, ठीक है 15, ओके 15 इसमें आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल, रोंटजन एक्सरे से संबंधित है, साइंटिस्ट बैकरल का संबंधित किससे है, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल क्या पूछ रही हूँ मैं। क्या हुआ, क्या पूछ रहे हो, क्लास टाइमिंग 9 बजे रात को बचे, सुबह 10 बजे के टाइमिंग पे, रात को 9 बजे सुबह 10 बजे। हाँ देखिए, रोंटजन का संबंध है एक्सरे से, इन्होंने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट बैकरल का संबंध किसके साथ है, साइंटिस्ट बैकरल ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है रेडियो एक्टिविटी को, है ना, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें पता है क्या करना है, सबको मालूम है, इसमें सबको मालूम है ये करना है, ये पासा है, ये पासा खुला हुआ है, इसको आपको फोल्ड करना है, क्लोज करना है, उन चारों में से कौन सा बनेगा वो बताना है, चारों भी बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं, देख लो। तो ये पासा है ओपन, इसको आप फोल्ड करें और बताइए कौन सा वाला बनेगा, चेक करें। हाँ सभी लोग, अरे ओनली ए ऑप्शन में कहाँ है, ओनली ए वाला तो ऑप्शन में नहीं है, चलो बन गया। देखिए सबसे पहले आप ये देखो कि 2 का विपरीत हमेशा 5 आएगा इस सवाल में, क्योंकि ये पलटकर इसके ऊपर आएगा, पता है ना, कभी भी अलग अलग तो हो नहीं सकते, मतलब बगल बगल वाले तो कभी विपरीत में आएंगे नहीं ना, तो 2 का विपरीत तो 5 होगा, 3 का होगा 4, 3 का होगा 4, ठीक है 3 का होगा 4, और ये जो बचा हुआ है टुकड़ा टुकड़ा वो एक दूसरे के अपोजिट आता है, पता है ना, 1 का आएगा 6। अब रूल क्या होता है जब हम पासे को फोल्ड करते हैं, कि जो विपरीत वाले हैं वो सतह कभी एक साथ में नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आने चाहिए, यानी 2 और 5 में से ही सिंगल आना चाहिए, तो देखो यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है 1 और 6 में से यहाँ 1 आ गया, चल जाएगा, 3 और 4 में से 4 आ गया, पहला वाला तो बन गया भाई, पहला वाला तो बन गया, यानी कि ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ठीक है भाई। सेकेंड बना के देखते हैं, 1 अकेला आया, 2 अकेला आया और 3 अकेला, ये भी बन गया, तीसरा नहीं बनेगा, तीसरे में 2, 5 एक साथ आ रहे हैं, चौथा भी नहीं बनेगा, चलो हटाओ, फिर यही वाला बन रहा है आपका तीसरा ऑप्शन, ए और बी बन रहे हैं इसमें, बाकी कोई भी नहीं बन रहा है, ठीक है बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके का होगा, पहले आप इसको सॉल्व करें, हाँ सी को लॉक कर दिया मैंने, ठीक है लॉक कर दिया, ताला लगा के चाबी भी फेंक दिया, फिलहाल लाइक कर दो सारे लोग, है ना जल्दी से, बहुत सारे लोग यहाँ पर 1500 लोग लगभग लाइव देख रहे हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा सेशन को। हाँ कहते हैं ना ताला लगा के चाबी फेंक दो ना तो पक्का हो जाता है, इसलिए मैंने चाबी फेंक दी थी ताला लगा के। ये टॉपिक क्लास ही चल रहा है, ठीक है इसमें मैं एक दिन पेपर करवाती हूँ, एक्सपेक्टेड पेपर, लाइव पेपर, बाकी ये टॉपिक वाइज क्लास है। दूसरी बात ये है कि हमारी सुबह चलती है 10 बजे से 11 बजे तक किसी चैनल पर, वो भी टॉपिक वाइज है, ये भी टॉपिक वाइज है, दोनों टॉपिक वाइज क्लासेस हैं। क्या आ रहा है इसमें भी ऑप्शन सी, चलो भैया देखते हैं। यार एक बात बताओ, 45 के टेबल में 140 आता है क्या, हाँ 35 के टेबल में 110 आता है, आता है आता है, देखो 35 का गुणा 3 से 105 प्लस 5,
सेम यहाँ पे 45 गुणा 3 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 140, 110। यहाँ पे भी नहीं आएगा, इधर कर लेते हैं। 25 गुणा 3 75 होते हैं, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 80 आएगा। सी वाले ऑप्शन को छोड़ के सब सही है, सी वाले ऑप्शन को छोड़कर सब ठीक है, सारे बराबर आ रहे हैं, सारे सेम आ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा है, सेम ऑप्शन अलग है इसमें, लेकिन ऑप्शन बताओ यहाँ पे कौन सा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले वाले जैसा, जैसे अपन ने सॉल्व किया था, बस ऑप्शन यहाँ पे अलग है, तो वो बता दीजिए क्या होगा। डन। देखो यहाँ पर 2 का विपरीत फिर से 5 आया, 3 का 4 आ गया, पढ़ाया हुआ है, 1 का 6 है यहाँ पर इस वाले डाइस में, हमेशा नहीं होता इस वाले डाइस में है। तो 2 और 5 एक साथ नहीं आने चाहिए, यहाँ पे अकेला 2 आ रहा है, 3 अकेला, 6 अकेला पहला बन गया, दूसरा नहीं बन पाएगा बिकॉज दूसरे में 3 और 4 साथ में आ रहे हैं रॉन्ग, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, तो फिर तो सारे ही गलत है ना, फिर पहला ही बनेगा, ये भी गलत हो गया, जब पहला बन रहा है तो सारे ही गलत हो गए फिर तो। अच्छा पहले इसको क्लियर कर दो मुझे एक बार, फिर आगे चलूँ मैं थोड़ा। ये डाइस ओपन करने का समझ में आया ना कैसे करना था, ओपन डाइस का समझ में आया ना चक्कर क्या करना था। आया ना समझ में, चलो ठीक है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे चलते हैं अपन आगे। चलो इसको बताओ, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसको बताइए। हो गया इसमें, देखिए यहाँ पर अगर आप एक कोड अगर लिख लो, सबसे बेटर तरीका है अगर लिख लें तो सबसे ज़्यादा सही है, जल्दी भी बन जाता है और बन भी जाता है। देखो 2 का कोड तो यहाँ लिखा है, 1 का यहाँ लिखा है, 3 का यहाँ लिखा है, k का यहाँ लिखा है, अलग अलग अल्टरनेट में लिखा है, ठीक है। तो मेड का बताइए, यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा आपका 4, यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक है, 5 4 1 1 3, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें से अलग वाला ऑप्शन कौन सा होगा, पढ़ाया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही, ऐसा लॉजिक हमने किया था, सेम टू सेम चेक करें। हाँ जी, एक सुबह एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, सशस्त्र बैच, जिसमें मेरी क्लास सुबह लगती 10 से 11, 1 घंटे टॉपिक वाइज चल रहा है, जिनको पढ़ना है अभी मिसिंग नंबर्स का टॉपिक चल रहा है सुबह सुबह, मिसिंग नंबर्स का टॉपिक अभी सुबह सुबह चल रहा है, जिनको भी पढ़ना है वो सुबह मॉर्निंग में आ सकते हैं 10 बजे के टाइमिंग पे, 10 से 11 के टाइमिंग पे, ठीक है। मॉर्निंग में मिसिंग नंबर्स चल रहा है अपना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वॉवेल्स के लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे 2 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो अलग तो यही वाला होगा फिर, ठीक है। अरे वाह, रट गई कुछ चीज़ें तो, है ना। चलो इसको बताओ, ये एकदम अल्टरनेट एकदम मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया अल्टरनेट क्वेश्चन, एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। हर सवाल का, सरल सवाल का जो अपोजिट होता है ना, वही है ये, अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, अल्टीमेट क्वेश्चन। कौन सी क्लास की फ़ीस पूछ रहे हो अनुज कुमार भाई, किस क्लास की फ़ीस पूछ रहे हो? किसी क्लास की कोई फ़ीस नहीं है, यूट्यूब पे चल रहा है बैच, कोई फ़ीस नहीं है, फ्री चल रहा है, यहाँ पे ही तो चलती है क्लास सुबह वाली 10 बजे, फ्री क्लास है वो, यहाँ पे चल रही यूट्यूब पे, तो उसका कौन सा फ़ीस लगेगा। चलो हो गया,
देखिए सॉल्व करें इसको अपन। यार ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ स्क्वायर्स वाली संख्याओं के आसपास की संख्या लग रही है, लग रहा होगा ना ऐसा? देखो जैसे ये 23 है, 25 के पास की संख्या है ये। देखो अगर 7 में से 2 घटा दे 5 आता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से अगर हम -2 कर दे तो 23 आता है, 2 मतलब ये वाला घटा दो। 11 में से 4 घटाया 7 आया, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45। यानी पहले घटाइए 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से छोटी संख्या को घटाना है 46 आने वाला है। इस सवाल का जवाब तो कई लोगों ने नहीं दे पाया था बट कई लोगों ने दिया भी था, वेरी गुड, वेरी वेल डन। इन दोनों को भी घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 5 घटा देंगे तो 11 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक और क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, सॉल्व करिए। बन गया? चलिए देखिए आपस में बातचीत थोड़ा बंद कर दीजिए, आपस में बातचीत थोड़ा सा बंद कर दीजिए, ठीक है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, है ना, 1,00,000 बार 1,00,00,000 बार बोल दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो नहीं सुधरते, सुधर नहीं सकते हैं। वो कहते हैं ना डैश 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 डैश, समझ जाओ, अब रीजनिंग वाले हो ना तुम लोग, समझ जाओ। पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, फिर से बोल रही हूँ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। पहले मैं बहुत प्यार से समझाती हूँ, 1 महीने से समझा रही हूँ, लाइव क्लास में समझा रही हूँ, सुबह शाम यहाँ पे क्लास में आके चैटिंग करना अच्छी बात नहीं है यार, इतने बड़े हो गए हो, घोड़े हो गए हो, थोड़ा तो लिहाज करो, लिहाज करो, लिहाज, शर्म करो, शर्म। 1,00,000 बार बोल दिया भाई क्लास में बात मत करो, कुछ एक ही लोग हैं जिनके नाम रट गए, अब तो सबको रट गए होंगे, है ना, सबको रट गए होंगे नाम कि कौन आपस में बातचीत कर रहे हो यार, मतलब अच्छा नहीं लगता यार सबके सामने, है ना। अपना पर्सनल चीज़ें करिए जो भी करिए, ठीक है, बात करना ही क्यों जब हम पढ़ने आए हैं। तो अभी मैं नाम लेके बोलूँगी तो पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हो जाएगी, बताओ कितना बुरा लगेगा। नाम लेके बोल दिया मैंने सोई इज्जत खराब सबके सामने, कितने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, है ना, वही नहीं चाहती हूँ मैं। और आज मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, लास्ट वार्निंग, ठीक है। कल के बाद क्या होगा उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, जो लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बातचीत कर रही हूँ, ठीक है, समझ जाओ आप। कल से अगर ऐसे करोगे तो फिर अलग चीज़ें रहेंगी, अपने पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। हाँ मैं चाह नहीं रही हूँ कि किसी की पढ़ाई का नुकसान हो, है ना, मैं ब्लॉक करवाऊँ फालतू में, है ना, फिर पढ़ ना पाए तो क्या मतलब रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना यार, तो समझ जाओ, थोड़ा प्यार की भाषा है, प्यार की भाषा में समझ जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। चलो एवरीवन बैक टू द क्वेश्चन, अपने पास ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, यहाँ लिखा है पी और क्यू आपस में क्या है, बहने हैं, सिस्टर्स बना देते हैं। पी पे और क्यू पे माइनस का साइन लगाना, फीमेल है ना तो सिस्टर्स है, माइनस का साइन लगा दो। आर और एस भाई है, पी की बेटी, पी की जो बेटी है वो आर की बहन है, यानी आर और एस आपस में ब्रदर्स हैं और ये इसकी बहन है, ठीक है। चलो हो गया, ऐसा डायग्राम बनाया आप लोगों ने, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो सोनू भाई, सोनू भाई बिल्कुल सही पकड़ लिए। चलो भैया क्या लिखा है, क्यू का संबंध एस के साथ क्या है, भाई देखो मेरे भाई क्यू का पूछा गया था, इसका पूछा गया था, ये एस के साथ कैसे संबंधित है, है ना, एस के साथ कैसे संबंधित है, क्यू का एस से क्या संबंध है, ठीक है, क्यू का एस से क्या संबंध है, तो ये एस की माँ हो गई, ये माँ की बहन हो गई, तो माँ की बहन मौसी होती है यानी आंटी लग जाएगी, आंटी, ठीक है, ओके ठीक है ना, यहाँ पर आंटी आएगा, मौसी को आंटी कह सकते हैं, मौसी को, चाची को, मामी को, बुआ को, सबको अपन आंटी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आंटी पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, डी को लॉक कर दें, हाँ बिल्कुल सही। अगला सवाल इसमें सॉल्व करें,
कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है। चलिए डन हो गया। देखिए भाई 10 आ रहा है कि 12 आ रहा है। देखो यार सबसे पहले छोटे बड़े बड़े वाले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर इन 6 के बाद जो अंदर थे ना वो भी पूरे पूरे नहीं थे, सारे ट्राइंगल्स नहीं थे गाइस, बस वही थोड़ी आपने दिक्कत कर दी। एक ये वाला था, दूसरा ये वाला था, तीसरा ये वाला था, चौथा ये वाला था, बस ये दोनों ट्राइंगल्स नहीं थे क्योंकि इनमें चार साइड्स हैं। तो यहाँ पे 10 ही आने वाले थे, 12 नहीं थे, 10 थे। यहाँ पे 10 पे टिक करते तो सही, 12 गलत है, 10 सही है। नीचे वाले ट्राइंगल्स थोड़ी ना है, नीचे वालों में चार चार साइड है, ट्राइंगल कहाँ से हो जाएंगे, वो चार साइड वाले ट्राइंगल थोड़ी होते हैं। चलो बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलो बाइट आता है, किलो बाइट के बाद मेगा बाइट आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये वही है बिट बाइट KBMB। और अगला बताओ क्या होता है, ये तो आप लोगों को रटा रटाए रखा है, मोबाइल चलाते रहते हो दिन भर, है ना, रटा हुआ है, ये तो रटा हुआ सही है, सवाल है। तो भैया इसका आंसर तो बता दो, फिर GB आएगा ना, GB, फिर GB के बाद TB आता है, फिर GB के बाद TB, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट्स। चलो इसको बताओ, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है करने लायक वाला, सॉल्व करो इसको। देखो सबसे पहले आएगी आपकी कुल्हाड़ी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी देखते जाना कौन कौन सा है, ठीक है। राख तो सबसे पहले आ नहीं सकती है, राख तो सबसे पहले आ नहीं सकती, तो वो ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो गया, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए सबसे पहले आएगी आपकी कुल्हाड़ी, ठीक है, फिर आएगा आप लोग का पेड़, ठीक है, जिसे आप काटोगे, ठीक है, फिर आएगा आपका लकड़ी, लकड़ी बन जाएगी पेड़ से, पेड़ से लकड़ी बन जाएगी काटने के बाद, ठीक है, फिर आपकी जो चॉपिंग, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कोयला बनेगा, कोयले की बनेगी राख सबसे लास्ट में, ठीक है, ओके। तो इसका ऑप्शन जो सही वाला होना चाहिए था गाइस, वो 5 वाला होना चाहिए, 5 वाले पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, 5 वाले पे, 5 पे टिक करना, 5 पे, सी वाले ऑप्शन पे, सॉरी सी वाले पे टिक करना, हाँ सी वाले पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले कुल्हाड़ी, फिर पेड़ मिला, लकड़ी मिली, काटना शुरू किया हमने, फिर उससे हमें कोयला मिला, सबसे लास्ट में हमें राख मिल गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला सवाल जो है, ठीक है, आप लोगों का जो है, हाँ आप लोगों को क्या करना है इसमें, इसका आंसर करना है, ठीक है, वो भी कहाँ पे, कमेंट्स में, जब क्लास फिनिश हो जाएगी तब, ठीक है। इसको दे रही हूँ होमवर्क में करने के लिए, ठीक है ना, इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे रात को 9 बजे, ठीक है, इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे रात को 9 बजे के टाइमिंग पे, और सुबह जो टॉपिक वाइज वाली क्लास लगती है वो सुबह लगती है 10 बजे से, तो उसमें आप सुबह 10 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अनअकैडमी की मेरी क्लासेस होती है मॉर्निंग में 11 बजे होती है, शाम को 4 बजे, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आराम से, जो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस है, ठीक है। ओके एवरीवन, अब देखो भैया ये जो बैच है ना, मैंने कराया ना बैच, आपको बताया ना कौन सा वाला बैच चल रहा है मेरा, ये वाला चल रहा है, ठीक है, नया जो हमारा सशस्त्र बैच स्टार्टेड हुआ ये वाला, ठीक है। ये हमारे सुबह 10 बजे क्लास रहती है, इसमें सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जुड़ जाना, लिंक मिल जाएगी। अनअकैडमी पर जुड़ना है डायरेक्टली, मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, ऋतिका तोमर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्या लगी है, लिंक लगी है, वहाँ से भी निकाल सकते हो। अभी अनअकैडमी में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं गाइज, आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लस का और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। डिस्काउंट चाहिए आपको, ये सारे फीचर्स मिलेंगे, आस्क का डाउट भी मिलेगा, डाउट्स पूछ सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हो, लाइव क्लासेस में बातचीत भी कर सकते हो टीचर्स से, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट के लिए सबसे पहले ऑप्शन आपको यहाँ पर कोड लगाना पड़ेगा ऋतिका10, जिससे आपका 20% तक का डिस्काउंट हो जाएगा कॉइंस के साथ, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 20% तक का, ऋतिका10 कोड में स्पेस मत दीजिएगा। वीडियो में अगर कुछ एरर है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास अपनी इसी टाइमिंग पे रहती है, रात को 9 बजे, टॉपिक वाइज वाली सुबह रहती है, ठीक है, 10 बजे के टाइमिंग पे, और अनअकैडमी पे जो अपनी क्लास होती है वो सुबह 11 बजे एंड शाम को 4 बजे। ओके एवरीवन, सो फिर अपन चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अपन लोग, थैंक यू सो मच।